السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. हर किस्म की तारीफ व तौसीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हमें उर्दू सीखने और सिखाने का एक अनमोल मौका इनायत फरमाया। उसके बाद दरूद व सलाम का नज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बारिक वसल्लम। जी, हमारा पिछला सबक था दो हरफी आसान अल्फाज, यानी दो अल्फाज को किस तरह मिलाकर पढ़ना है, ये हमारा पिछला दर्स था। अब देखिए हमारा अगला जो दर्स है, अब हम जिस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं आज का हमारा सबक ये है, सफा नंबर 13। पिछला सबक ये था, यानी दो हरफी आसान अल्फाज, ये अलग अलग हैं, यानी अलीफ अलग और बे अलग था, तो इन दोनों को मिलाकर क्या है, अलीफ प्लस बे इजिकल टू क्या होगा, अब होगा। समझ में आ रही बात? कल मैं आप लोगों को ये बात नहीं बोली थी, तो देखिए अब ये क्या है। दाल दिन। दाल दिन। सुनिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि अलीफ है, अलीफ अलग है और बे अलग है, दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम। तो अलीफ, ये दोनों हरफों को हम क्या करना है, अब मिलाना है। मिलाने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? प्लस की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मेरी बात जी मैम, दो हरफों को मिलाने के लिए क्या है, प्लस की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो अलीफ प्लस बे इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, यानी अलीफ बे जबर अब। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह क्या है, रे प्लस बे, यानी रे बे जबर रब। दाल लाम जेर, यानी दाल प्लस लाम जेर इजिकल टू क्या हो जाएगा, दिल। तो इसी तरह का है, दाल प्लस नून इजिकल टू क्या हो जाएगा, दिन, यानी जेर लगाएंगे तो हम क्या है, ये दिन हो जाएगा। दाल प्लस मीम पेश इजिकल टू दुम। दुम, ये हमारा कल का सबक था। तो दो हरफी अल्फाज को पढ़ने का वो तरीका था। अब देखिए, अब हमें क्या है, तीन हरफी आसान अल्फाज, यानी तीन हरफ को हम अब किस तरह पढ़ेंगे, तो उसके भी पढ़ने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है। आप देखिए, वाउ है, अब यहाँ पर वाउ है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाउ है, वाउ प्लस रे प्लस कॉफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, वर्क वर्क हो जाएगा। तो अब इसको पढ़ेंगे हम नॉर्मल किस तरह पढ़ेंगे, वाउ रे कॉफ जबर वर्क, किस तरह पढ़ेंगे, वर्क। तो अब इसमें देखिए, इसमें हरकत उर्दू में जो है सुना हरकत नहीं आते, मगर सिर्फ क्या है, जबर देर पेश और क्या है, उल्टा पेश, ये सिर्फ इतने इस्तेमाल होते हैं, और आगे सबक में खड़ी जेर भी इस्तेमाल हो जाएंगी। मगर इसमें जो है ना फर्क ये है कि अब अगर कुरान पढ़ते वक्त हम क्या है, जबर को जरा खींचेंगे तो हमें क्या है, उसमें गलती करने से क्या है, उसमें गलती करने से क्या है, हमें हम गुनहगार होंगे। मगर उर्दू में जो है ना उसकी उतनी पाबंदी नहीं की जाती, क्योंकि इसमें उतनी पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। कुरान जो है ना वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, तो उसमें जो पढ़ने के लिए हरकत इस्तेमाल की जाती है वो कंपलसरी, यानी पाबंदी से पढ़ना जरूरी है। अब जो ये उर्दू में है, इसमें क्या है, जबर जेर पेश और क्या है, खड़ी जेर, ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसको क्या है, अगर हम जबर को जरा खींच कर पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, इतना ज्यादा मतलब पाबंदी की इसमें जरूरत नहीं है, और क्या है, हम इसके ना पढ़ने पर हम गुनहगार भी नहीं होंगे। तो सिर्फ क्या है, ये दोनों में क्या है, फर्क यही है। तो आप देखिए, उर्दू में वाउ प्लस रे प्लस कॉफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। इसी तरह ये पहली मिसाल है हमारी,
वरेका जबर वर्क। जी समझ में आ रही बात। इसी तरह अब ये जो दूसरी मिसाल है दाल प्लस रे प्लस सीन इज इक्वल टू दर्स। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे इसको कैसा, दाल रे सीन जबर दर्स। और आप देखिए इसमें क्या है तीसरी मिसाल क्या है, ये जबर की मिसाल थी ये दोनों वर्क और दर्स। तो अब यहाँ पर जे की मिसाल रे जे रे रे प्लस जे प्लस कॉफ इज इक्वल टू रिस्क। तो इसी तरह क्या है रे जे कॉफ जेर रिस्क। अब पेश की मिसाल देखिए, उल्टा पेश यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसकी एक ही मिसाल है। तो आप ये देखिए रे प्लस वाउ प्लस मीम इज इक्वल टू रे वाउ मीम, क्या लूंगा रूम पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे रूम। तो ये क्या है रे वाउ मीम उल्टा पेश रूम, ठीक है। इसी तरह अब खाली पेश की जो मिसाल यहाँ पर बयान की गई यहाँ पर है, तो इसमें क्या है अलीफ रे अलीफ है, तो अलीफ प्लस रे प्लस अलीफ इक्वल टू उड़ा। तो ये क्या है अलीफ रे अलीफ क्या पेश क्या होगा उड़ा। तो इस तरह यहाँ पर ये मिसालें आपके सामने पेश की गई है। तो अब आप देखिए अब इसको पढ़ना कैसा है, वर्क दर्स रिस्क रूम उड़ा। तो इसी के वजन पर आपको जितने भी मालूम होंगे ज्यादा से ज्यादा मिसालें आपको क्या है ढूंढ कर लेकर आना है, ठीक है जी मैम। आप कोशिश करिए दो मिसालें आपको क्या है दो मिसालें लिख कर लाना है, ठीक है दो दो मिसालें लिख कर लाइए बस, आपको क्या है दो दो मिसालें लिखने के लिए क्या है ये आपका होमवर्क है। तो अब ये क्या है इसको देख कर भी लिखना है आपको, क्या है हेडिंग इस तरह लिखेंगे आप लोग कि तीन हर्फ आसान अल्फाज इसको मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे। आपको लिखने में क्या है इस तरह लिखना चाहिए वो, उसके बाद बीच में जो है ना प्लस की निशानी यानी प्लस की अलामत जो है ना वो लगाकर फिर रे उसके बाद प्लस की अलामत लगाकर फिर काफ लिखकर इज इक्वल टू वर्क बोल के लिखिए, ठीक है जी मैम। ये पढ़ने के जिससे क्या है आप लोगों को आसानी से समझ में आने के लिए क्या है इस तरह से आपको बताया गया है। तो आप क्या है इसी तरह पढ़कर आप क्या है लिखकर भी बताइए, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि अब इसी तरह दर्स लिखना है तो दाल प्लस रे प्लस सीन इज इक्वल टू दर्स होगा, ठीक है। इसी तरह रे प्लस जे प्लस और क्या है कॉफ इज इक्वल टू रिस्क होगा, ठीक है। इसी तरह क्या है आप और भी मिसालें जो जो भी आपको मालूम है वो क्या है आप लिख कर लाइए। माशाल्लाह अक्सर लोगों ने क्या है मिसालें दो हर्फ की आसान अल्फाज की मिसालें अच्छी तरह की, मगर चंद तालिबात जो है तो नहीं लिखे, तो उनको भी चाहिए कि वो सबक और ये जो आपका आज का होमवर्क है वो दो लिख कर क्या है आप अपने क्या है नंबर से क्या है सेंड कीजिए। तो अब देखिए ये हमारा क्या है आज का सबक था। सबक में आपको कुछ सवाल है उसके बाद आइंदा जो है ना चार हर्फ किस तरह होंगे वो पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबक था वो क्या है तीन हर्फी आसान अल्फाज। तो इससे क्या है देखिए आप इस तरह क्या है दो हर्फी के बाद तीन हर्फी पढ़ेंगे इसी तरह चार हर्फी पढ़ेंगे तो उसके बाद अल्फाज को किस तरह मिलाना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आज का सबक सिर्फ इतना है हमारा कि इसको लिखने का तरीका क्या है वाउ प्लस रे प्लस कॉफ इज इक्वल टू वर्क दर्स रिस्क रूम उड़ा। तो इस तरह क्या है इसी के वजन पर आप क्या है और भी मिसालें या इसके वजन पर भी नहीं है तीन अल्फाज अगर आ रहे हैं उसमें तो उसको किस तरह लिखकर जिससे क्या है एक जुमला बने यानी एक लफ्ज बने उस तरह क्या है आप लिखकर लेकर आइए, ठीक है जी। जी बोलिए मेरी बात से मैं गुजारिश करूँ कुछ सवाल है आप लोगों का। जी किसी को भी कुछ सवाल नहीं है? नहीं मैम समझ में आया मैम। तो आप लोगों को ऑडियो भेजने के लिए भी बोली थी मैं, आप लोग ऑडियो भी भेजिए ताकि उससे मालूम हो सके कि
आपके तलफ़ुज़ में कुछ गलती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, आप लोग अब क्या करिए, ऑडियो जो नए भेजे वो भेजिए, फिर पिछला जो सबक था आप लोगों का दो हरफी आसान अल्फाज, जो जिन्होंने भी मिसालें नहीं लिखी वो लोग चाहे मिसालें लिखकर, कल की और आज की मिसालें लिखकर क्या है आप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। लास्ट में अख्तिताम की दुआ पढ़िए, सुभानक अल्लाहुम्मा वो भी म्यूट नहीं है तुम्हारा।